जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको शान दस्तरखान में कि जहाँ पर इकरार भाई भी तशरीफ़ ले आए हैं और शेफ़ आयशा तो ऑफकोर्स हैं ही। और आज पता नहीं मुझे लग रहा है 13-14 मिनट में इनका बहुत खतरनाक कुछ काम करने का इरादा है। बहुत खतरनाक, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, है ना। यस, आज हम बनाने वाले हैं झटपट प्रॉन मखनी। अच्छा, प्रॉन्स वैसे ही जल्दी बन जाती हैं, ये और भी एक क्विक रेसिपी होगी और इसके साथ हम बनाएंगे ओरियो मिल्क शेक। लेकिन सबसे पहले हम प्रॉन्स का काम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी बातें भी होती रहें, प्रॉन्स भी पकते रहें। क्योंकि मखनी है तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन, लेकिन मक्खन जल ना जाए इस वजह से हम उससे भी पहले ऐड करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल। और हम हमेशा ये कहते हैं जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इस रमजान सेहत के साथ साथ बचत भी है डालडा की जानिब से, पूरे 250 रुपए की बचत है आपके लिए। तो ये हमने ऐड कर दिया डालडा कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर। क्वालिटी पे सेहत पे कोई कमी नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसके साथ हम ऐड करेंगे ये टमाटर का पेस्ट है, लेकिन ये कौन सा वाला टमाटर का पेस्ट है, ये वो है जो कैन में पका हुआ होता है ऑलरेडी। सो ये मैं क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी कच्चे टमाटर इस्तेमाल करती ना तो उनको उबालने में लग जाते आपको 20 मिनट, सेगमेंट खत्म हो जाता, आप लोग चले जाते और कुछ भी ना बन पाता। मैं तो यही बोलूंगा वसीम भाई, तो सुबह दोपहर शाम हर वक्त यहीं पे इनका मसाला, आप आराम से बनाइए। किचन तो बंद हो जाता ना, शटडाउन हो जाता, किचन बंद हो जाता, किचन बंद हो जाता। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर का वो वाला पेस्ट, कैन वाला, जो कि आपको पहले से बना बनाया मिल जाता है, भर के 4 खाने के चमचे। तो ये उसकी क्या कहते हैं, टमाटर की पेस्ट भी कह सकते हैं, प्यूरी भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने छापे बहुत मारे ना जहाँ जाली प्यूरी बन रही होती है, इसलिए आई होप नहीं ये वाला। अच्छा, इसमें मैं साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और एक वजह है कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें पहले ऐड नहीं किया। जब हम घर में बनाते हैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट, तो वो छींटे नहीं उड़ते क्योंकि उसमें कोई पानी शामिल नहीं होता। जब हम कभी बॉटल वाला जार वाला लेते हैं तो वो छींटे उड़ने का खदशा होता है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ऐड किया है। अब हम इसमें झटपट मजेदार से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हम शामिल करेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून के बराबर। हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, अगेन 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, पाउडर्ड है हमारे पास। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया या फिर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और एक ये चीज़ है जो एसेंशियल है, ज़रूरी है, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से वो खुशबू आती है जो कि। वैसे भाई, कसूर की और क्या चीज मशहूर है? किस हवाले से? खाने के हवाले से। अच्छा, खाने के हवाले से। मछली ना? कसूरी फालूदा भी। अच्छा, हाँ। कसूरी फालूदा बहुत मशहूर है। अच्छा, पंजाब में तो कसूरी फालूदा आपको हर जगह मिलेगा। है ना, मशहूर मछली भी मशहूर है। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में फालूदा कौन से शहर का सबसे अच्छा होता है? मुझे लगता था कराची का, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया नहीं लाहौर में ज्यादा अच्छा होता है। लाहौर में, हाँ, मैं नाम नहीं लेता वरना ब्रांडिंग हो जाएगी। पुरानी अनारकली में 2-3 बड़े मशहूर ब्रांड है, कराची वालों से अच्छा है। ये आपको पता, फिर जरा टेस्ट सब्जेक्टिव है। नमक ऐड कर दिया और इसके साथ भर के मक्खन का फ्लेवर है। साथ में हम ऑल पर्पस की क्रीम ऐड कर देंगे। यार, बहुत कोई अच्छी चीज बनने वाली। वैसे मैं अच्छी चीज से याद है, कल आपको खाना मिला इफ्तार में? बिल्कुल भी नहीं मिला, कोई फायदा नहीं है शेफ आयशा के इतने बड़े बड़े बातों और दावों का। सियासतदानों वाला काम किया आपने भी, बस हमें तसल्ली दिला के खुद चली गई, पूछने वाले ही नहीं हमें। मैंने इसमें फौरन में टॉपिक बदल देती हूँ, टॉपिक में ये बदलती हूँ। ऑल पर्पस की जो क्रीम हमने ऐड किया ना, वो थिक और क्रीमी है, और इसमें हम साथ में ऐड कर देंगे झींगे। ये आपको मिल सकते हैं वैसे आज। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। चलो फिर भी सारी ट्रांसमिशन झींगों का इंतजार किया, देख लेंगे। आपने मुझ पर सारी कहानी डाल दी। हमारी जो सकीना है ना, मुझे लगता है कल उन्होंने खाया है पास्ता। चलो, ये बड़े बड़े नाम है, हमने तो यहाँ 10 बरस से एक्सपोज करके वीडियोस बना के खुफिया, उसके बावजूद नहीं कभी ये हुआ। देखते हैं शायद आप क्या। आपसे तो डर लगता है ना कि आप बोलेंगे पता नहीं ऐसा, इसमें कोई खाने में कुछ नुक्स निकाल देंगे, लेकिन आपके लिए रख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं जनाब ये प्रॉन्स, और प्रॉन्स की सी फूड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी पकते हैं। लिटरली ये 3 से 4 मिनट में हमारी डिश बिल्कुल पकी हुई आपके सामने तैयार होगी। शेफ आयशा बताइएगा, अक्सर जगहों पे ठंडे प्रॉन्स भी खाने का इत्तेफाक हुआ हमें, तो बिल्कुल कुक्ड नहीं होते?
ठंडे प्रॉन्स जो आप सुशी और इस तरह की चीजों जापानीज खाने में खाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ सर्विंग्स ऐसी होती है जिसमें कच्चे प्रॉन्स होते हैं, ऑलमोस्ट कच्चे कहेंगे उसको, हां कच्चे उनको बिल्कुल कहेंगे, बिकॉज अक्सर जो होता है ना सिविशे नाम की एक रेसिपी होती है, स्पेनिश में भी बहुत सारी ऐसी रेसिपीज होती है जिसमें वो कच्चा सी फूड होता है, सो उसको इस तरह से प्रोक्योर किया जाता है कि उसमें बैक्टीरिया का कोई चांस नहीं होता कंटेमिनेशन का, सो आप कच्ची फिश खा सकते हैं, आप कच्चे प्रॉन्स खा सकते हैं, या उसको उस टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है कि बैक्टीरिया मर चुके हों, एंड देन है ना एग्जैक्टली वो भी होता है, एंड प्लस उसको कभी-कभी क्योर किया जाता है लेमन के साथ, तो वैसे वो कच्चा होता है, लेकिन जब कोई चीज अचार से गलती है तो वो वाली गलावट उसमें बेसिकली होती है। अच्छा यहाँ पे ये तो प्रॉन्स पकते रहेंगे 2 मिनट, और अब आ जाएगी बारी हमारे ओरियो मिल्क शेक की। ओरियो मिल्क शेक कौन बनाएगा आप दोनों में? वसीम भाई, फिर देनी आप वसीम भाई के अंदर का बच्चा बिल्कुल अच्छा, और सबसे मजे की बात जो ओरियो के बारे में है वो ये है कि जनाब बच्चों का पसंदीदा बिस्किट तो है ही है, लेकिन हम आपको बनाना सिखाएंगे इसको एक नए अंदाज में, एक नई रेसिपी के साथ, और इसमें आपके घर के जितने भी बच्चे हैं ना उन सबको बुला लें और बोलें कि ये जो ओरियो बिस्किट आज भी आ जाओ, ओरियो बिस्किट जो है इनको अपने हाथ से मजे से तोड़ें ताकि उनको भी लगे कि ये जो है ना एक हेल्दी किस्म की एक्टिविटी है, हेल्दी ड्रिंक है, और कुछ तो हमने किया एग्जैक्टली, हमारी कोई पार्टिसिपेशन है, जैसे कि अब आप भी कर सकते हैं ये, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए इसको तोड़ के रखा हुआ है। अच्छा ओरियो बिस्किट, अच्छा ओरियो बिस्किट्स आप सबसे पहले ऐड कर दें, सारे टूटे हुए बिस्किट डाल दूं मैं इसमें? बिल्कुल, ये हमने तोड़ के स्पेशली रखे हैं। अच्छा साथ में आप इसमें वेनिला आइसक्रीम ऐड, तोड़ने का शौक पूरा कर लूं ना, वेनिला आइसक्रीम ऐड कर दें, तो इसके लिए ये सारी की सारी आपको सारी की सारी ऐड कर दें। अच्छा आज नहीं गिराएंगे, वसीम नहीं गिराया, तालियां, लेकिन नहीं बजा रहे कोई मिलने तालियां, देखिए ना क्या हो रहा है मेरे साथ। अब इसमें आप मिल्क ऐड कर, बस ना अब आप भी उसकी जान लेंगे उसकी अच्छा मिल्क ऐड कर दें, कितना? 2 कप्स, 1 कप भाई वाह, आधा कप, हां सही है, पौना कप, वेरी गुड, 1, वेरी गुड, सवा, डेढ़, पौने दो, 2 जबरदस्त। अब ये जो हमने चूरा किए हुए हैं बिस्किट्स, ये मैं पहले थोड़े थोड़े ग्लास में ऐड कर दें। अच्छा और ये भी ओरियो के का चूरा ही है? ये ओरियो का चूरा ही है बिल्कुल, हाथ हमारे साफ, ओ हो हो, मैं बताती हूँ, मैं सिखाती हूँ, देखिए आपने ऐसे किया जो नोक वाला पार्ट है ना, ओके, उससे बहुत ही हाथ साफ हैं, फिंगर साफ हैं हमारे, इस तरह से कि ये नहीं गिरा, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे, अब इस तरह से ये नोक वाले पार्ट से आपने ये करना है, गिर गया नजर लगा दी आपने अच्छा ये इसको थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे ओरियो मिल्कशेक में हमारे, ओके हाँ ये भी अंदाजे से 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दें, बस दैट्स इट बिल्कुल, वेरी गुड, इसमें बर्फ ऐड कर दें और ब्लेंडर चला दें, ये ले बर्फ, कल वाली बर्फ आ गई आदमी आज बर्फ ठंडी है, ये भी ठंडी है अच्छा ये भी ऐसे बिल्कुल ये गिरेगी इंशाल्लाह, देखिए थोड़ा सा लाइक नहीं यार, ये देखिए मैं थोड़ा सा इनसे भी गिरेगी मैं बता रहा हूं, ये देखिए गिरी थोड़ी सी, हां कोई बात नहीं, आपकी तरफ गिराई है मैंने, काउंटर पे इसलिए नहीं गिराई ताकि पता ना चले, हम बताएंगे ना लोगों को, ये देखिए अब इसको चला दे आप, ऊपर ढक्कन रख के भाई, अच्छा ये इन्होंने अच्छा ये भी बताना जरूरी था, ओह माय गॉड भाई आपको नहीं पता, मैं तो भूल गई थी, बच्चे से ही बनवा रहे हैं, बच्चा इन कुकिंग, जी तो चलने लगा था, शुक्र करें बच्चा, और ऊपर हाथ भी रखिएगा, अब मैं ये भी बता दूं ऊपर हाथ रख के, अब नहीं एक मिनट इसको भी यूं कर दे भाई, अब बनाए, आई एम नॉट सो स्मार्ट, हाथ रखिए ऊपर, अभी आप सीख रहे हैं, अब ट्राई करें, वेरी गुड वेरी गुड, अबे हाथ रखे रखूं मैंने, उड़ जाएगा क्या होगा अच्छा ये मैं बताऊं हर शेफ करता है, हर शेफ इसके ऊपर हाथ रखता है, हमें एक तसल्ली रहती है कि ये ऊपर नहीं आ जाएगा, हां हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई ऑनेस्टली लॉजिक नहीं है, अब कुछ नहीं हुआ इससे पहले कि कुछ हो हम बंद कर देते हैं, जबरदस्त हमारा ओरियो मिल्कशेक देखिए, वो एकदम से जब वो करता है ना तो मुमकिन है कि ऊपर हो भी सकता है, हो भी सकता है अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से वो हो रहा है, ज्यादा से कितना ऊपर जा सकता है, आई ट्राई करते हैं, बहुत बुर्ज खलीफा, अच्छा ठीक है सही, अच्छा इसको हो गया, बस हो गया, निकाल दें, अच्छा ग्लासेस में निकाल, यस ओरियो मिल्कशेक इज रेडी, बच्चों के साथ बनाए, एंजॉय करें, उनके लिए बनाए, मजेदार यमी हेल्दी किस्म की एक ड्रिंक है, इसी बहाने जो है वो मुझे पहलाद साहब याद आ गए, इतनी चॉकलेट अल्लाह हो यार, ये बड़ा मसला है भाई, दिन में जितने मर्जी चॉकलेट शेक्स पिला दें उनको, यमी यमी, अच्छा आप इन्होंने ग्लासेस के साथ ना वो नीचे माहौल बनाया है वो कलरफुल सा, वाह वाह जान के ये गार्निशिंग की है इन्होंने चॉकलेट,
क्योंकि मुझे ना खाना जब तक प्रेजेंटेबल ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा ये हमने हरा धनिया ऐड कर दिया हमारी प्रॉब्लम में। आप आराम फरमाएं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। हरी मिर्च अगला सेगमेंट कौन सा वसीम भाई हमारा? वही तस्वीरों का सेगमेंट, तस्वीरों वाला आपका ना जो पांच सेगमेंट होते हैं पूरे नशरिया में। अच्छा यहाँ पे ये जो हमारी प्रॉन मखनी है ये है बिल्कुल तैयार, इसको हम निकालेंगे। अगर हमारे पास एक मिनट है तो थोड़ा एक मिनट और पका लेते हैं और जब पका लें हम खाने को। जी जी खाने को यही का है तो ऑब्वियसली मेरा मतलब है। अच्छा तो जब तक ये खाना यहाँ पे बन रहा है मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही पूरी अफ्तारी हो जाती है तो आप सोचते हैं बर्तन कौन धोएगा, सो उसके लिए जनाब जो मैक्स स्क्रब है वो सख्त से सख्त दाग जो है सख्त से सख्त चिकनाई को आसानी से काटता है और आपके बर्तनों का बेस्ट पार्टनर है। वैसे तो पूरा साल है लेकिन स्पेशली रमजान अभी चूंकि वसीम भाई सेगमेंट में टाइम है तो ये खेले। इसमें कौन जीतता है इसमें ये गेम? ओहो ये हार गया, चमचे गिरते चले जा रहे हैं सिलसिलावार। अल्लाह अच्छा अब हम एक करेंगे कारिस्तानी जो कि आदि तो आपने कर दी थी। मैंने नहीं की थी। अच्छा अब अलग है, तीनों ने कुछ ना कुछ गिराया है सेगमेंट, ठीक है ना? आपने वो गिराया, मुझे तो पता ही नहीं था कि खुला हुआ है ये। नहीं 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 ये तो देखें जिसने बताया ही नहीं कि ये गिर सकता है खुला हुआ है। मेरा तो ये फर्क है कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे, बाकी गिराया तीनों नहीं। इंसान गिराए तो कोई मसला नहीं है, बस इंसान ना गिरा हुआ। वाह 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 ये तो आज का अक्वाले कॉले जर्री कॉले बाय। अब जब भी ठंडक होगी आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। बस ठीक हो गया। ये हमने थोड़ा सा ये क्या है, क्रीम है ना? हाइट देंगे, बिल्कुल क्रीम है, व्हिप क्रीम हमने ऐड कर दी एंड साथ में अगर हमने इसमें ओरियो एक एक नहीं ऐड किया तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सो दिस ड्रिंक इज रेडी, हमारा ओरियो और हांडी की भी क्या अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वसीम भाई कमाल, ये हमारा और ये मेरे बताएं कैसी हांडी बनाई मैंने। अच्छी हांडी बनाई है मैंने ना, जबरदस्त हांडी। वैसे आपने बनाई नहीं है, ये है हांडी। हाँ मतलब वो अच्छा, सॉरी अभी हांडी बनेगी। जी बनेगी। अच्छा ये बताइए इसमें क्यों हांडी शिमराद की मट्टी के बर्तन में क्यों डालना होता है? देखिए वैसे तो हम इसको सर्व कर रहे हैं लेकिन अगर आप इसको मट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो उसकी जो एक सौंधी सौंधी खुशबू होती है ना, एक तो वो बहुत मजे की होती है और उसमें हीट रिटेन रहती है, गर्म रहता है, बहुत देर तक गर्म रहेगा। अब ये सिर्फ सिंबॉलिक हांडी है। बिल्कुल ये सिंबॉलिक हांडी है, ये सिर्फ हमने जो है वो सर्विंग के लिए इस्तेमाल करनी है और इसको हम कर देते हैं अब सर्व। बाय द वे आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये स्पैचुला था, आप पूछ रहे हैं। अच्छा इससे आसानी से डल जाएगा। वाह भाई वाह, इससे ज्यादा आसानी से गहरा है। ओके देखिए गिराएगा, मैं होता तो मैं इससे डालता। किचन में अगर कुछ चीजें गिराए ना आई कंपटीशन करते हैं। चलें छोड़ें, ये देखें, ये देखें आपके में आए दो प्रॉन्स, देखें हां दो प्रॉन्स आए, देखिए मेरे चार आए। आप जीत गई। चलें इसके यहीं रख देना वापस, इसका इस्तेमाल तो नहीं ना? हां हां इसका इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल इसको इसमें रख दीजिए। इसको अब हम तरह से ऐड करेंगे और ये हमारी प्रॉन मखनी चटपट तैयार है और एक्चुअली बिल्कुल गली हुई पकी हुई। यहाँ पे थोड़ी सी हम करेंगे इसकी कलर ब्रेकिंग जो कि बहुत जरूरी है एंड टटने हो गया। क्या बात है, जिंदाबाद भैया। एक सबसे शानदार बात है वो टाइम पे हर चीज का हो जाना है। यस यस ये कमाल हो रहा है पिछले तीन दिन से। टाइम आपने कमाल कर दिया भाई। भाई क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ कल के लिए वैसे कोई टीजर दे सकती हैं आप कि आपने कल क्या बनाना है? कल क्या बनाना है एक्चुअली आप लोग भी फरमाइश कर सकते हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पसंदीदा डिश क्या है और आपकी पसंदीदा मीठा, कोई मीठा बनाइए। कोई मीठा सही है, ठीक है, किसी भी दिन, नहीं जरूरी नहीं कि कल। बिरयानी किसी भी दिन, बिरयानी 10 मिनट में हो सकती है, ठीक है हम कर लेंगे। नहीं बन सकते यानी मुझे वो हम हमने ना घर में काम डिवाइड किए हैं 50-50 तो घर वाले बना लेते हैं मैं खा लेता हूं। बनाने वाला पार्ट मुझे नहीं पता। नहीं सही है 10 मिनट मैंने मिलके करेंगे तो ही घर आराम से बहुत यानी देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपका खाने का। खाने का सारा जिम्मा मैंने लिया हुआ है, बनाने का उन्होंने। मैं ये जिम्मेदारी लेती हूं कि मैं 10 मिनट में, ऑफ कोर्स हम फ्रॉम स्क्रैच नहीं बनाएंगे लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे बनाएंगे 10 मिनट वाली बिरयानी। वाह वाह अरे वाह जबरदस्त, उसका नाम रख देंगे 10 मिनट बिरयानी। 10 मिनट बिरयानी, 10 मिनट बिरयानी, वो तीन स्टेजेस में बनेगी 10 मिनट बिरयानी। हां बस ठीक है, जिंदाबाद, बेहतरीन, जबरदस्त। सो थैंक यू वेरी मच आयशा साहब, और क्या बेहतरीन कम वक्त में आपने जबरदस्त एक स्वीट डिश भी बना ली। और ये मखनी नहीं, क्या झटपट प्रॉन मखनी, झटपट प्रॉन मखनी, बहुत सारी तालियां आयशा साहिबा के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। क्या बात है,